आजकल बहुत बज रहे तू यार। मैंने थोड़ा सुना कि यार लोग बोल रहे थे थोड़ा, और अगर पहले मिल लिए होते ना, अगर हम लोग हाथ जोड़ लिए होते ना, स्लॉट का क्या मैटर है भाई, BMW L फ्री के स्लॉट। अल्फा 7 यार, एल जर्सी बोल रहे हो यार, मुझे पता है जैसे बहुत जल्दबाजी में बनाए थे हम लोग ने, तो हमें टाइम नहीं था, बट जो बन पाया वो बन पाया। फिलहाल इट्स बेटर टू वेयर समथिंग रादर देन नथिंग, तो ये फिलहाल तो यही जर्सी है फॉर टीम जी WRC। कौन बोला? अरे ऊपर लिखा रहता है, तो मैं इसे बोल दे भाई एल जर्सी, तो ठीक है भाई तुम्हारा सबका ओपिनियन अलग अलग है। सारे लाइट्स ऑन करते उर्वेश, वैसे जर्सी इतनी भी खराब नहीं है टू बी ऑनेस्ट, गुड कलर, यूनिक कलर रादर देन जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट। बहुत ज्यादा सैचुरेट हो गया था ब्लैक एंड व्हाइट, स्पैम हो गया था हर जगह, सो आई फील लाइक दिस इज समथिंग यूनिक, फील्स गुड। बट ठीक है, ऑब्वियसली हम इसमें चेंजेस करेंगे, बहुत कुछ चेंज होगा। एंड हाँ, मैंने बहुत सारी, मतलब मैं इतने दिन से चीज़ें एड्रेस नहीं कर पाता क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम पे था नहीं, भसड़ हो रखी है भाई, क्या चल रहा है आजकल। तो TX एंड TZ 2019-2020 वाला फॉर्म, वो वाला स्क्वाड वापस से देखने हैं लाइन पे। ऑल द बेस्ट मेरे भाई सरदार जी, 100% यार, 110% यार। मैंने थोड़ा सुना कि यार लोग बोल रहे थे आफ्टर बैन परफॉर्म नहीं किया, गेम डाउन हो गया। ऑब्वियसली एग्री करता हूँ यार, मैं एक साल गेम नहीं खेला था बैन टाइम पे, मतलब एंडिंग मंथ में स्टार्ट किया था खेलने के लिए, मैंने एक साल नहीं खेला था, मेरे को थोड़ा एक साल लगा वापस बैक ऑन ट्रैक। ऑब्वियसली मैंने चीजें ग्रांटेड ली थी, जो मेरी मिस्टेक है, मैं एग्री करता हूँ। मेरे को सीरियसली स्पोर्ट्स को लेना चाहिए था उस टाइम पे, तो उसके लिए हम लोग को बहुत सारी चीजों में हैम्पर हुआ। बट यस, वी आर ट्रैक, वी आर बैक ऑन ट्रैक। हम लोग का माइंडसेट अब प्रॉपर हो चुका है, अलाइन हो चुका है, हमारा गोल एकदम क्लियर है, जस्ट लाइक 2018-2019 हम लोग का फोकस भी पूरा क्लियर है फॉर e-sports, तो हम मेहनत कर रहे हैं। एंड आई होप आप लोगों को चेंजेस दिख रहा हो, एंड आई होप यू गाइस आर सेटिस्फाइड, एंड आई नो कि मैंने अपना बार बहुत हाई सेट किया है, सो आप उस चीज को मैच नहीं कि भाई अभी का लेवल अभी भी कम है। यस आई नो, स्लॉट का क्या मैटर है भाई, देखो यार अनऑफिशियल से, अनऑफिशियल में उनकी मर्जी, उनको जिसको भी स्लॉट देना है। यहाँ पर डिजर्विंग हो अनडिजर्विंग हो, मेरे हिसाब से डिजर्विंग सिर्फ टॉप 3 टीम होती है जिनको मिलता है, तो टॉप 3 टीम जो थी BGIS के, उनको तो वो लोग डिजर्विंग है और बाकी कोई डिजर्विंग नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये है, ये अनऑफिशियल है। अनऑफिशियल मतलब इट्स ऑल अबाउट द TO, इट्स ऑल अबाउट द व्यूअरशिप, इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस, बस यही चीज है। डिजर्विंग वाला चीज ऑफिशियल्स में होता है, जहां पे लोग ग्राइंड करके ओपन क्वालिफायर से आके मेहनत करके एक एक ग्रुप से क्लियर करके आगे पहुंचते, वो होती है डिजर्विंग। सो यस, दैट समथिंग जो स्लॉट के बारे में लोग बोल रहे थे, तो यस आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इन्वाइट मिल गया, मैं खुश हूँ उस चीज के लिए। और कोई चीज मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई मैंने कुछ तोड़ दिया है, भाई मैं तो डिजर्विंग हूँ, ऐसा नहीं है मेरी जान। बस ये कि थर्ड पार्टी टूर्नामेंट है, तो ऑब्वियसली उनकी मर्जी, उनको जिसको इन्वाइट करना इन्वाइट करेंगे, ये मेरा मानना है। बाकी आपका, आपकी मर्जी, आपको जो मानना, आपका अलग ओपिनियन हो सकता है, मेरा अलग ओपिनियन हो सकता है। नॉट सेटिस्फाइड बट इंप्रूवमेंट तो है। थैंक यू ब्रदर, अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। ये चीज आपको अगर दिख रहा है तो 110% हम और बेटर करेंगे। आप मेरे को फीडबैक दे सकते हो, मैं उन बंदों में से हूँ नहीं जो आप, मैं ये नहीं बोलूंगा कि फीडबैक मत दो, क्रिटिसाइज ना करो, करो क्रिटिसाइज, पहले भी क्रिटिसाइज करते तभी तो मैं इंप्रूव किया था। आप लोग ही हो जो इसके लिए मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, मेरे सपने जो है। हाँ, मैंने एक दो हाईलाइट देखी थी जहाँ पे ऐसा बोला था कि वी आर नॉट परफॉर्मिंग इन द टीम एक्सपर्ट, 110% परफॉर्म कोई नहीं कर रहा था, इसलिए तो हम लोग परफॉर्म नहीं किए और प्रूव नहीं कर पाए टीम एक्सपर्ट पे। एक प्लेयर से टीम खराब नहीं होती है, इस इन टीम स्पोर्ट हम सबके सब खराब खेल रहे थे, कोई एक अच्छा खेलता तो वो टीम कैरी कर सकते थे, सब खराब खेल रहे थे इसलिए हम अच्छा नहीं खेले, बट जो लोग अच्छा खेले इसलिए वो लोग चैंपियन बन पाए, वो है हमारी सारंग वाली लाइनअप। बहुत टाइम लगा उसके लिए भी, हम लोग इससे पहले थर्ड आए थे, सारंग पुकार वाली लाइनअप, उसके बाद सारंग और शैडो वाली लाइनअप फर्स्ट आ गई। सो आई थिंक जो लोग अच्छा खेल रहे हैं उनको चीजें मिलती है। बाकी मैं कुछ कुछ जगह पे वो कुछ कमेंट्स पढ़े थे मैंने, कि कोई कोई बोल रहे थे कि यार BMW L फ्री के स्लॉट में गए थे। मेरे भाई उस टाइम पे, अगर आपको नहीं पता है, जो लोग नए आए आफ्टर लॉकडाउन, दलजीत को नहीं खेलना था टीम में, दे वांटेड एन असॉल्टर, वहां पे कोई भी किसी को भी ले आ जा सकता था। तो मेरे को क्वेश्चन क्या गया कि भाई क्या तो खेलेगा, हाँ भाई खेल लेंगे, क्या लोड है, अपने लौंडे सब तो खेल लिया, ये था कहानी ना। मैंने, मेरे को कोई फ्री में स्लॉट मिला है ठीक है ना, पैसे देकर स्लॉट खरीदे जाते हैं, बहुत सिंपल चीज है, तो प्लीज थोड़ा सा आप रिसर्च कर लो तो आपको बदल जाएगा। बाकी मावी तो अपना लौंडा यार, तुम लोग उसके नाम पे हेट फैलाओगे, तुम सोचोगे कि मैं कुछ बोल दूं, फिर तुम जाके उसको कुछ बोलोगे, यार हम इस चीज से आगे बढ़ चुके, हमें इतना मैच्योरिटी है, मेरे को अब प्रूफ करना है। अपने लौंडे ने प्रूफ कर लिया, सेकेंड आया वो, अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाए क्योंकि हमारी टीम बेटर थी, हमारी टीम जीती, बट मेरे को प्रूफ करना है खेल के, वो है टीम सी, हम उसको प्रूफ करने में फोकस करेंगे, ये आजू बाजू के डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना। तुम पता, मैंने एक चीज नोटिस किया बहुत बार, क्या होता है ना कि एक्चुअल मुद्दा से डाइवर्ट करने के लिए कुछ लोग 10 चीज पे फोकस कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअल मुद्दा हट जाता है। बीच में बहुत गंदगी हुई थी कम्युनिटी में, वो सब चीज को हम बोलेंगे नहीं। एनीवेज,
मैंने गॉड सुना आजकल बहुत बज रहा है तू बाहर गेम के बाहर नहीं भाई गेम के अंदर मिल तू स्क्रिम्स में स्क्रिम्स कौन सा स्क्रिम्स है तो BGMS लेके आ रहा है आपके लिए मास्टर्स के साथ खेलने का मौका तो चल ठीक है अगर मास्टर्स का मौका है तो अपन दोनों को मिल लेंगे सीन्स के अंदर लेकिन आप लोग को एक मौका मिल रहा है हम लोग के साथ रजिस्टर करने का तो दिए हुए लिंक पे टैप करो रजिस्टर करो पता के लिए मैं इसको देख लूंगा बाहर तो अच्छे है बाहर तो अच्छे है So, मेरे साथ स्काउट आ चुके हैं उनसे कुछ सवाल जवाब करने वाले तो स्काउट आप पिछले 2 सीजन से हो और ये 3rd सीजन है तो क्या क्या एक्सपीरियंस आप करते हो BGMS में आई थिंक ये वन ऑफ द बिगेस्ट लैंड्स है जो हमारे कंट्री में होता है और आई पर्सनली फील ऐसा जो एनवायरमेंट रहता है ये होना बहुत जरूरी है यहाँ पे ई-स्पोर्ट्स प्लेयर्स को एक मोटिवेशन मिलता है एक बड़े प्लेटफॉर्म पर कम्पीट करने का तो एनवायरमेंट तो बहुत कॉम्पिटिटिव रहता है बट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है स्पेशली हमें वो चीज़ टीवी में देखने मिलता है हम अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हैं तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स है साथ ही साथ आप सबसे पुराने खिलाड़ी हो अगर ऐसे देखें तो ई स्पोर्ट्स को आप कितना ग्रो होते हुए देखे हो अपने पूरे समय में टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ग्रो हुआ है क्योंकि हम एक टाइम ऐसा था जहाँ पे पेरेंट्स हम लोग को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते थे कि भाई गेम खेलना भी एक करियर है आज के डेट में ई स्पोर्ट्स उस वे में प्रोग्रेस हो रहा है जहाँ पे हम लोग अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं यार देखो ई स्पोर्ट्स में भी एक करियर है हम वहाँ कम्पीट कर सकते हैं ई स्पोर्ट्स बेसिकली स्पोर्ट्स बट इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ दैट बस वही चीज़ है So, ये थे स्काउट जिनसे 2 सवाल पूछे थे आप लोग भी एक्साइटेड है और रेडी रहे BGMS के लिए BGMS सीजन 3 के बारे में क्या ख्याल है आपके कुछ क्या ही बोलो बोलो तो विवाद हो जाएगा बट हाँ बहुत मजा आने वाला है लेट्स सी देखते हैं तो आपके अलावा कौन 3 स्ट्रॉन्गेस्ट टीम आपको लगता है जो है BGMS में वर्ल्ड लाइक होल जी सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने किसके चांस लग रहे हैं अभी हम लोग जीत के तो आए हैं ऑब्वियसली मैं मेरी टीम का नाम ही बोलूंगा क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हमेशा रहता हूँ और अपनी टीम पे ट्रस्ट करता हूँ तो क्यों दूसरे टीम का नाम सीजी का जो पहले हो सकता है वो अब हो रहा है इफ यू नो यू नो सोल में घमंड मेरे को कुछ उससे लेना देना नहीं देखो मैं एक चीज से बता सकता हूँ कि मैं और थग अगर हम लोग चलो हम 3 साल पहले मिले बट अगर हम लोग थोड़ा और अगर पहले मिल लिए होते ना अगर हम लोग हाथ जोड़ लिए होते ना 2-3 साल से भी 2 साल पहले मतलब मैं कब ज्वाइन किया 2021 में आई थिंक मैंने ज्वाइन किया ना 2021 में मैंने ज्वाइन किया अगर हम लोग हाथ जोड़ लेते 2019 या 2018 में आई थिंक हम लोग फाड़ देते ऑलरेडी दोनों ने अपने अपने रीजन में मतलब एरियाज में अच्छा खासा फाड़ा है मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो जो चीजें हम लोग ने प्रिडिक्ट की ना जेन्युइनली मतलब हम बातें करते हैं चीजों के बारे में हम बोलते कि ये होगा वो होगा आप देखना ऐसे होगा आप देखना वैसे होगा कसम से बता रहा एकदम डिटेल में नहीं जा सकता मैं इसके बारे में कि एग्जैक्टली क्या क्या बातें बट जो जो चीजें हम लोग ने प्रिडिक्ट की ना वो होती है वो हो रही है और विजनरीज है ब्रो हम लोग सॉरी खुद का तारीफ नहीं करना चाहिए बट ई-स्पोर्ट्स के मामले में इतना क्रेजी नॉलेज और इतना क्रेजी गट फीलिंग है ना हम दोनों का कि मैं आपको बता नहीं सकता ब्रो जेन्युइनली बता रहा हूँ अगर 2019 में मिले होते ना हम लोग ई-स्पोर्ट्स के लिए सी कंटेंट आई हैव नो आइडिया अबाउट कंटेंट उसका अलग ही है जो भी उसका दिमाग है बट ई-स्पोर्ट्स में जो हम दोनों का दिमाग एक लाइन में चलता है ना कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हम दोनों को कुछ अलग फील आया हमेशा जो एक लाइन में चलता है ना हम लोग का दिमाग वो बहुत क्रेजी है मतलब अनबिलीवेबल है द थिंग्स दैट वी प्रेडिक्टेड एंड द थिंग्स दैट आर एक्चुअली हैपनिंग एंड द थिंग्स दैट विल हैपन क्या ये चलो सर न्यूज सुनने के लिए अच्छा मैंने हाँ यही मैंने इसकी स्टोरी देखी थी शायद इसलिए मैंने आपके लोगों से पूछा गैस करो कौन कौन गॉड लाइक बट ये तो हमने देख लिया ना ये तो हमने देख लिया कि उनकी यहाँ पर तो चलो गॉड लाइक बट इस तरफ उन्होंने नीचे BGMS और ऊपर की तरफ शायद वो है वो देख लिया मैंने देख लिया ब्रदर क्या लिखा है अच्छा अच्छा अभी तुम बोल रहे थे कि ये ऐसे करके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कमेंटेड ऑन जोनाथन रिसेंट रील पोस्टेड बाय नॉर्डविन गेमिंग अच्छा तुम बोल रहे हो कि इसकी बात कर रहे हो Alpha 7 बट ये मत समझना कि कुछ ऐसा कुछ कोलैबोरेशन ऐसा कुछ काइंड ऑफ कुछ रहेगा भाई ऐसा कुछ सीन नहीं है ठीक है